तेरा 200 दे चल। माँ ने रखी है पुष्टि के लिए इसमें टॉफी, मैं एक भी तक दे दे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये घर्रिया मालदा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। और ये हमारे घर में सबसे छोटे, तो इन्हें दीजिए जी भोरी आशीर्वाद। इनके तीन छोटे हैं, मतलब दो, तो ये तो मैं मजाक कर रही थी। चलो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैं अपने मायके से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फिलहाल सभी मेरे मुंह तांग रहे कि कर क्या रही है, खासकर मेरी माँ। मेरी माँ इतनी बार मैं व्लॉग बना दिया, मतलब घर में मेरी माँ को अभी तक समझ नहीं आता कि ये करती क्या है, कि फोन उठा के बस बोलना शुरू कर देती है और मुझे बड़ी गौर से देखती है। देखना मत समझ आ सकती थी क्या करूँ तुम्हें, क्या करूँगी। माँ को किसने बताया था कि रुपये मिल रहे मुझे है? और ये भी, ये तो खुद मुझसे व्लॉगिंग करना सीख गई, इसके नाक में बहुत प्यारी सी कुछ आ रही है। तो मैं आपको मिलती हूँ, सबको दिखा देती हूँ पहले। तो दोस्तों हम जा रहे थे, हमारे आगे लगे ले ले ले, मैं बुलाते ले ले ले, मेरे को गिरी ले 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 ले, आ आ आ आ, बंद हो रही जरा इतना ले 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 ले। आ भाई ये तो जा ही नहीं रहा, चला गया। भानियावाला, वहां से भैया चला गया है भानियावाला में मछली। और ये रही दुकान, यहाँ ये भानियावाला मार्केट है, नीचे भी है ऊपर भी है इधर साइड भी है। फाइनली भाई आ चुका है और हम लोग निकल गए। अब बताओ फ्लाई ओवर बन गया, उसके बाद भी भीड़ है, कहाँ जा रही है पब्लिक है, रोज घूमना होता है आप लोगों को। तो दोस्तों हम फिर रुक गए हैं, भैया गए हैं, मतलब मैं कितना शोर कर, मैंने मंगाया है भैया से सेब सूप मंगाए थे, वो गया है सेब लेने और मम्मी वहाँ पे आ रखी है और मम्मी ने मुझे नहीं देखा अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही माँ, दिखाई दे रही है आपको स्काई ब्लू कलर में, ये पता नहीं क्या देखने आई होगी, क्या देख रही है कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी का इंतजार कर रही है, उधर को देख रही। तो यहाँ पे माँ मिल गई है मुझे और माँ के पैलाल, माँ प्रणाम, ठीक ठाक चल दिया चल, अभी 5:30 उड़ू 6 बजे उड़ू, अब रहा मैं भी नहीं है तो चल ना तू, दिया चल यो है डाल लेना गोड़ चल, एक नहीं सुनूं भाई चल दिया। दोस्तों भैया ये लेके आया चिप्स और ये अमरूद और सेब लेके आया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे, इधर इधर अगर यो घर आ गए हो। तो दोस्तों यहाँ टाइल्स लग गई हैं बाहर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा साइड पे फूलों के लिए कर रहे हैं। हाँ जी पैर छू के सदा खुश रहे, सदा खुश रहे मेरे बिट्टी, सदा सदा खुश रहे। यार भेज पे भेज तो सुना था, अरे बिकुरियो, अरे वो अभी उठनी कब आए कर काय मान, हां दिन 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 द ये छ गए तो दोस्तों पुचकी के नाक पे देख रहे हो ऊपर चुने लगे हैं, पुचकी दिखा इधर लोगों को, ऊपर चुने दिखा, वाह कितने सुंदर है ना, ता ता ता। कौन बोल रहा था पुचकी को बुआरी बनाने के लिए, भाई जिसने पुचकी को बुआरी बनाना है उसके पसीना दे दे, उन्होंने उसके ऊपर चुने भी साफ करने है ना, ये पसीना देना। ये डिकरू सा तो अलग है, ये देखना इसके डिकरू जैसा मुंड, तो सोच लो भाई बुआरी इतनी सुंदर है, नाक देखना कितना सुंदर है इसका, और ये सांस नाक बना दिया समझे, खांसी लग रही मेरी बेटी को, जब भी मैं आती हूँ उसकी तबीयत खराब ही रहती है, पता नहीं क्या है इसका। तो दोस्तों फाइनली खाना बन चुका है और ये खाना रख रही है हमारी पुचकी, पुचकी के नाक पे कुछ है ये देखो। ये खाने के बर्तनों पे ऐसे ही देखना आप, सारे बर्तन बजा रही है, कट 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 कर रही है। फाइनली दोस्तों खाना खुना खा लिया, अब मुझे नींद आ रही है, कुछ की भी सोने जा रही मेरी बुट्टी बुट्टी बुट्टी, तो आप लोग भी सो जाइए। तो दोस्तों सबके सोने की तैयारी हो रही है और इस शिवलिंग को देखना कैसे सो रहा है, इसका पैर यहाँ से मुड़ रहा है।
भैया आज ना कचमोली बना रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना कचमोली को। और ये देखो भैया कितनी अच्छी तरीके से बैठे हैं बिल्कुल, ये कचमोली बनाने के लिए। ये है चकोतरा, चबूतरा, चबूतरा, चकोतरा बोलती भैया जी, चबूतरा। अरे तुम्हारा टी शर्ट में क्या दौड़ पड़ी? अच्छा, और ये मेरी भाभी है, वो मम्मी को होगी देर की, खाना बना के एक बज गए, स्कूल के बच्चे आने वाले। और ये हमारे पूछ की वाला भैया, मतलब हमारे दूल्हे राजा, वाह वाह वाह, दूल्हे राजा को खूब बधाइयां। ये शादी की तैयारियां चल रही है हमारी, देखो कठमोली बना रहे हो बोलो वो चकोतरा कानून में तो ये दो माल्टो के हम बनाएंगे कचमोली। मैं कुछ काम बना तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये घर्रा माल्टा है, ये मेरी भाभी के मायके से आए हैं, मतलब मेरी माँ भेजी जा रखे थे गांव तो लेके आए, और मीठे करेले भी लेके आए जो कि बहुत जिन्ने हैं, और मुझे बोल रही थी कल लेके जा, जो कि मैं नहीं जा रही। और देखो दोस्तों ये है प्योर घर्रा माल्टा, इन्हें खा के आता है तर मुंह में पानी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखती हूँ हरा नमक पीसती हूँ या नहीं। फिलहाल तो भैया ने चकोतरा पूरा छिल दिया है और ये काफी सुंदर सा लग रहा है, मैं थोड़ा खा के देखती हूँ। मजा आ गया, अब माल्टा वाला खाएंगे हम। ना ना बड़े होंगे, नॉर्मल हो रहा, मतलब ज्यादा मीठा भी नहीं ज्यादा खट्टा भी नहीं है ना भाई। के लिए कितने गर्मी होगी, हाँ वेज को 12 महीना गर्मी दिन चलना। तो दोस्तों ये मेरा सिलबट्टा रहा, पूछिए ये देखो दोस्तों, पूछिए बोल रही मैं वो करूंगी यार फोन खोल। दोस्तों ये देखो ये नमक है, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया, और ये रहा मिर्ची, और ये आप देख सकते हो धनिया है, हमारे पास ज्यादा नहीं था, इतने में हमें काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे साइड पे पुचकी है, इधर पे पुचकी की मम्मी, इधर पे पुचकी की दादी, उधर पे पुचकी के चाचा, और इधर पे पुचकी के पिताश्री अपने काम में। तो दगड़े ये पीस रही हूँ मैं घरेलू लूट एकदम स्पेशल, आप लोग खाने आओ। और ये पूछ की पहले गीत मार चुल भाभी पता त्यार प्रॉब्लम क्या त्यार टाइम एक तरफ जान ना, और वीडियो तो कर फिर बना नहीं रहा मैं बाद में यू उधार दे जड़े स्वाद है जान चैटिंग में जा रहे यहाँ पूछ। चल वीडियो चैट में कम से कम तुमको चैटिंग तो पीछे आला सुकर मानो वो भी लोगों विधार्थ ना खा रहे क्या बोले। अरे भेजल कचर बचर कह रही भेजल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि ये चकोतरा होता है, लेकिन खाने का मन इसे करता है, पर ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है, और इसके अंदर जो आता है वो इतना सा रहता है, इतना सा ये देखना, पर इसके अंदर है ना, आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि नहीं, ये बेकार बात है। हाँ कमेंट्स में बताइए भैया बोल रहे शर्मा के, कोई लड़की हो तो भैया गोद लेना चाहते भैया पता क्या सोच रहे थे, भैया सोच रहे थे अच्छा सिमो ऐसे बोलेगी कोई लड़की है तो मेरे लिए हाँ बोलेगी है। वाह अब आएगा खाने में स्वाद। मेरे पूछा तो दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हो मैंने चटनी बिल्कुल तैयार कर दी है, और भैया ने एक माल्टा और मंगाया और छिल रहे हैं, अब बनेगी टेस्टी सी चटनी। मैं चख के दिखाती हूँ एक बार, भाभी जरा कैमरा इनका पकड़े, इनका रख इनका, हाँ इनका, तो मैं चटनी चख के दिखाती हूँ। ये मत सोचना कि मैं झूठा कर रही, मैं यहाँ पे लूंगी और ऐसे करूंगा, कंठ खुली मैं, तुम बिचार जा तुम्हारा कंठ भी फुलो रहा मैं, तो मजा आ गया मतलब।
बहुत। तो फिलहाल तो भैया अभी काम पे लगे ही हैं और भाभी खाना बना रही है। बहुत टेस्टी नमक, वाह क्या हाथ है मेरे भगवान ने, क्या हाथ दिया मेरे को संग्राम सिंह ने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आप इसमें डालेंगे हमें लजीज का नमक, ये रहा नमक। अरे तो वो जा रहा है ले भाई, तुम अपना हाथल जरा। अरे मैं वो जा नहीं गाइस, क्या जा छोड़ आप तुझे मैं आप क्या हां यार भाई, कोई बाने उन कोई बाने पर खा गो कतरे है जना संदीप पाल उन तो चल जा वो उन्हें खाना रोक नहीं भाई जाना। हम गढ़ वाले लोग सब चलाते हैं भाई, हम ठेठ पहाड़ी हम राज क्षेत्र से हैं। भाभी धाने मिल, भाभी के किस्मत तर हो गया देखना। बाबू ने सीमा कवर ले लिया, राज क्षेत्र के खुफिया डॉन ने पूछ क्या बनी कब बनी मेरा नाम झूला झूला का नहीं यहाँ बुआरी के साथ बात हो रही है दोस्तों, बन गया रम रमी आहा। तो दोस्तों तीन कटोरी आ गई, ये बच्चों के लिए है, ये तो छोटा कार्टून का दिखाते हैं। भैजू को ज्यादा हो जाने आ रहा था लोन, भैजू ने मिनी चुतू करा बोल के लिया, ये सबको ले। बच्चे अभी जा रखे हैं स्कूल इसलिए उनके हमने थोड़ा कन पछन, ये भैजी देख लिया इधर खड़ रहा है तुम्हारा मैं ना जाने वाला पैन तड़म तड़म के लड़ू नहीं जो तू मिल के आ रहा हूँ भाभी। यार ये छोटे छोटे कटरों ना उन कमी जो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चखा के दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। तो दोस्तों मैं ये चख के दिखाती हूँ इतना कैसा हो रहा है मतलब टेस्ट में। तो ये रहा दोस्तों, ले चलिए मजा आ गया भैया, तुम भी खा रहे थे प्लीज एक्सप्रेशन लेते हैं बिना चबाया। दोस्तों मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे लग रहा है सबसे कम मेरे लिए आया है। ले हाँ, ले ले ले। नहीं नहीं भाभी दो कटोरी तो नहीं चाहिए मुझे। आप लोग देख रहे पूरा थाली भाभी ने ले लिया। दोस्तों कचमोली खाते खाते मुझे एक चीज याद आ गई, मतलब भाभी ने याद दिलाई मेरे को, तो याद था कि जैसे ये नरगी का ये नहीं होता ये वाला, तो हम इसे ऐसे ऐसे पुच करते थे और इसके जिधर पानी जाता था तो हम इसे पूछते थे हाँ कि दगड़े दगड़े मैर भी होगा खूना, यानी कि मेरी शादी कहाँ होगी। फिर हम ऐसे दूसरा एक और लेते थे और उसे ऐसे करके पुच करते थे, जिधर पानी जाता उधर मतलब हमारी शादी होनी थी। और भैया बोले कि वो भय में चला गया, मतलब नीचे चला गया तो हमारी शादी भय में होगी नहीं तो। तो दोस्तों ये देखो हम कुछ ऐसे पकड़ते थे और इसे ऐसे ऐसे करते ऐसे भैया की तरफ को जा रहे थे। हाँ देखो मेरी शादी इधर ही साइड हो रही है, यानी कि उधर साइड हरा वाला साइड। तो कमेंट कर, हाँ तो कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे करते थे जब कचमोली खाते थे। ये सिर्फ हमारे साइड पहाड़ी साइड के लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्या पता और उन्होंने भी किया हो। तो बताना किस किसने ऐसा किया है अपनी शादी जल्दी करवाने के चक्कर में। तो फाइनली खा के मेरे लिए थोड़ी फिर दम हो गई है और मुंह भी थोड़ा कड़वा सा हो गया, वो चबूतरा से ऐसा होता है थोड़ा मुंह बाद में टेस्ट कड़वा सा होता है। माँ बोल रही भात के बदले छक हो गया, मतलब कि चावल खाने की अब जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी मैं चावल खाऊंगी और वो भी खूब सारा खाऊंगी। पूछी आ गई अपनी मम्मी के साथ, उसकी मम्मी छीट रही है यहाँ पे चावल। आके समधनी का फोन आ गया,
अरे हमारी टीवी खराब नहीं है, ये झिलमिल झिलमिल फोन में ही करते हैं वैसे। कल मार पूछी पूछी चुप 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 कम मारा कम लगा कम लगा। नाक पर भी पानी और आंखों पर भी पानी। मैं पूछी पूछी कम लगना बच्चा। माँ ने रखी है पुष्टि के लिए इसमें टॉफी। मैं एक मिनट दे दे। ये कौन सी वाली पीछे दे दे। तो दो टॉफी मुझे भी मिल गई और एक पुष्टि को। पुष्टि ने कितने बड़े बड़े आंसू गिराए। क्या वो पुष्टि कितने माँ में पुष्टि को कम लगा कम लगा एक फूल देनी कम मारा भाग कम मारा। पुचकी के साथ मुझे भी टॉफी मिल गई। आँख के देखना कैसे भरी हुई है उसमें। भरा हुआ है ना ला गया जब ला गया छेदवान था लाभ जब ला गया। हाय बोल लो मैं छीन दो। जो सबसे अच्छी स्किन मेरी बनाए उसे उसे ना वेरी गुड मिलेगा और ग्रेट एंडल और उसको प्राइज में मिलेगा। किल भी बना। हाँ आंटी क्या बना आती है। तो दोस्तों दो बजने दो बज दो दो ही बज गए ना कुछ तो दोस्तों दो बज गए। और मेरा मैंने वो कचमोली खाई। अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। मैं लेटी हूँ थोड़ा सा और खुशी और भी स्कूल से आ गए। अब ये खाना खुना खा रहे हैं बाहर।